तो आज के इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम सीख रहे हैं। सो इसका टाइप टू क्वेश्चन है। टाइप वन पे क्या था, जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें देखना है द सिंस यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है 2, बी के प्लेस पे क्या है -5 और सी के प्लेस पे क्या है 3। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेट विभक्तिकार डी। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर -k4ac। ठीक, तो मान रखेंगे बी का मान कितना है, -5 का स्क्वायर 4। ए कितना है 2, सी कितना है 3। तो ये क्या हो जाएगा 25, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। तो ये क्या जाएगा 1। पॉजिटिव का है, पॉजिटिव का है क्योंकि डी पॉजिटिव है अतः अस्तित्व है, यानी कि इसका जो एग्जिस्टेंस है वो हो जाएगा, अस्तित्व है इसका, यानी कि मूल हम निकाल सकते हैं। ये पहला काम होता है, टाइप वन में भी हमने ऐसे ही किया था। अब फिर से आ जाओ, हमारे पास क्या है, ठीक देखो, जब हमारे पास पूर्ण नहीं होगा, जैसे 2, 3 ऐसे नंबर आते हैं ना, जैसे पूर्ण क्या होता है, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये पूर्ण है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, मतलब जिसका हम स्क्वायर रूप में लिख सकते हैं, 2 को नहीं लिख सकते, तो हमें क्या करना होगा, 2 से पहले भाग देना होगा समीकरण में पूरे में। भाग देंगे 2 से, इधर 0/2 क्या होता है, 0 ही होता है आपको पता है, तो 2 से 2 कट सिर्फ क्या बचा, एक्स स्क्वायर। ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक, नेक्स्ट में क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर है तो इसे हम एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे कि आपको पहले स्टेप पहले टाइप में आपको बता रखा है, ये वाला टर्म क्या होता है, ए है, और ये वाला पूरा टर्म क्या होता है, बी, 2ab का पद होता है, और 2ab के स्थान पर क्या है मेरे पास 5/2x। चिन्हों को ध्यान में नहीं लेना, चिन्ह से हमें लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो 2ab क्या है, 5/2x, हमें बी का मान निकालना होता है, एक्स का मान क्या, ए का मान क्या है एक्स, यहाँ रख देंगे। इधर भी एक्स, इधर भी एक्स कटना, ये 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, भाग में चला जाएगा। तो बी का मान क्या आ गया, 5/4। ठीक, 5/4, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना होता है, बी स्क्वायर को एक बार जोड़ना होता है और एक बार घटाना होता है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक, इक्वेशन 1 को एक बार मैं लिख लेता हूँ। ये इक्वेशन 1 है, हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर, ठीक ये लिख देंगे। तो बी स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर जब हम करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले 2 टर्म वैसे अगर वैसे ही रखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बी स्क्वायर क्या था, 5/4, इसको एक बार जोड़ा और इसी को एक बार घटाना है। ठीक, ये टर्म ये रहा, ये टर्म ये रहा, किसी चीज़ में हम जो जोड़ रहे हैं वो घटा भी रहे हैं तो उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, और ये 3/2 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाता है, आपको पता ही है। यहाँ पर एक नेगेटिव दिख गया है, यानी कि नेगेटिव दिखा है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ए की जगह पर हमारा क्या था, देखो ए की जगह पर हमारा एक्स था। ठीक, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, x माइनस बी के जगह पर क्या था, 5/4,
स्क्वायर। अब ये जो दो टर्म बचे हमारे, ये उसको उठा के बराबर के उस तरफ ले जाना है। माइनस का इधर के क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का। खोलेंगे इसको, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, तो एलसीएम क्या जाएगा 16। 16 एक कम से लो, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25, 2 अट्ठे 16, 8 3 24। सो यहाँ क्या जाएगा 25 में 24 क्या 1/16, ठीक 1/16 आ गया। देखो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं हम, वर्गमूल ले लेते हैं प्लस माइनस लिख के। तो देखो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, और 16 का कितना होता है 4 प्लस माइनस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे, यहाँ पर प्लस का 1/4 ही लेके चलोगे, ठीक है। फिर क्या करना है, देखो ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, और ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है प्लस का। लॉस ऊपर नीचे जब सेम होते हैं तो वही आ जाते हैं, और ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाते हैं। तो ये क्या आ गया 6/4। सॉल्व करो, 2 दूनी 4, 2 3 6, सो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को 3/2, पहला आंसर। ठीक, अब फिर से हमें क्या लेना है, अब यहाँ पर नेगेटिव का लेना है। सो हम क्या लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर टेकिंग नेगेटिव साइन। तो यहाँ क्या है एक्स माइनस के 5/4, और इधर लेना है नेगेटिव के 1/4। पहले बार में पॉजिटिव लिया था, अब हमें नेगेटिव लेना है। ये नेगेटिव की तरह के क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, और ये नेगेटिव का ऑलरेडी है यहाँ पर। एलसीएम क्या आएगा 4, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 1, तो 5 में से 1 गया 4/4, 4 एक कम 4, ठीक है। तो एक्स का मान क्या गया 1, सो पहला आया था 3/2, पहले आया था 3/2 और दूसरा आया था 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा।